हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉक्स एंड कॉक्स बाय जॉन मेडिसन मॉर्टन टेक्स्ट का पार्ट फोर्थ। इससे पहले हमने पार्ट थ्री डिस्कस कर लिया, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बाद जो हमने पार्ट थर्ड में पढ़ा उसके बाद हमने क्या है, उसके बाद टेक्स्ट में क्या है, ठीक है। तो उसके बाद कॉक्स क्या बोलता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि कन्वर्सेशन हो रही है मिसेस बाउंसर के बीच में और कॉक्स के बीच में, ये कन्वर्सेशन हो रही है। कॉक्स कौन है? कॉक्स जो है ये क्या करता है, ये हैट बनाता है, दिन को हैट बनाता है, रात को मिसेस बाउंसर के जो है मतलब घर में रहता है, उधर उसने रूम किराए पे लिया है, एक लॉजर है, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही थी लास्ट मतलब वीडियो में हमने पढ़ा था, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। कॉक्स क्या बोलता है, आह देन यू मीन टू से that this gentleman smoke instead of emulating the example of all other sorts of smoke and going up the chimney thinks proper to effect a singularity by taking the contrary direction। तो यहाँ पे मिसेस बॉन्सर जो है पहले उसको बोल रही थी कि भाई जो ये स्मोक आ रही है इधर, ये स्मोक इसलिए है क्योंकि एक बंदा एटिक पे बैठता है। मैंने लास्ट लेसन पढ़ाया एटिक क्या होता है, ऊपर वाला कमरा बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला कमरा, उधर बैठता है, उधर स्मोकिंग करता है चिमनी के सामने, तो उसी लिए जो है स्मोकिंग उसका धुआं जो है नीचे आता है, ठीक, स्मोक नीचे आता है तो आपको स्मेल आती है। ये कौन बोलती है, मिसेस बॉन्सर जो है कॉक्स को बोलती है। कॉक्स यहाँ पे बोलता है नहीं ऐसा नहीं है कि अगर स्मोकिंग करता है जेंटलमैन तो स्मोक तो है ऊपर चला जाता है, कोई भी स्मोक करे तो स्मोक तो ऊपर चलता है ना, आसमान की तरफ जाता है, न कि नीचे की तरफ आता है। तो ये कैसी बात हुई, अगर जेंटलमैन स्मोक कर रहा है तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिसेस बॉन्सर जो है फंस गई। मिसेस बॉन्सर बोलती है वाई, इसको पता नहीं था कि ये झूठ चलेगा मगर झूठ पकड़े जाने लगा अब। तो अब बोलती है वाई, क्यों? अब कॉक्स बोलता है देन आई सपोज द जेंटलमैन यू आर स्पीकिंग ऑफ इज द सेम इंडिविजुअल दैट आई इनवेरिएबली मीट कमिंग अप द स्टेयर्स व्हेन आई एम गोइंग डाउन एंड गोइंग डाउन द स्टेयर्स व्हेन आई एम कमिंग अप। तो यहाँ पे कॉक्स बोलता है कि हाँ आप उसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, उसी बंदे की बात कर रहे हो जिसको मैं रोज़ मिलता हूँ, जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ स्टेयर्स पे तो वो ऊपर आ रहा होता है, जब मैं ऊपर आ रहा होता हूँ पौड़ियों से स्टेयर्स से तो वो नीचे जा रहा होता है। क्या वही बंदा, उसी बंदे की बात कर रहे हो, वही स्मोकिंग करता है ऊपर एटिक में और इधर धुआं आता है, क्या उसी की बात कर रहे हो? तो अब जो है मिसेस बॉन्सर जो है ज़्यादा फंस गई, वो बोलती है वाई यस आई। तो ये जो है रुक रुक के बात कर रही है, अब उसको पता नहीं मैं क्या बोलूँगी क्योंकि उसको जो है मतलब अब जो है ये क्लियर है, ये एविडेंट है कि झूठ जो है पकड़ा जाएगा, मिसेस बाउंसर पकड़ी जाएगी अब। तो अब जो है वो बोलती है ये वाई, क्यों, हाँ, मैं, तो चुप करके रहती है, उसको पता नहीं लगता मैं बोलूँ क्या। तो कॉक्स बोलता है फ्रॉम द अपेयरेंस ऑफ हिज आउटवर्ड मैन आई शुड अनहेजिटेटिंगली सेट हिम डाउन एज अ जेंटलमैन कनेक्टेड विद अ प्रिंटिंग इंटरेस्ट। तो ये बोलता है कॉक्स, बोलता है उसकी अपेयरेंस से मैं देख पाऊँगा जो बंदा मुझे रोज़ दिखता है, मतलब मैं नीचे जाता हूँ पौड़ियों से, वो ऊपर आ रहा होता है मैं नीचे जा रहा होता हूँ, तो वो बंदा जो है मैं उसके अपेयरेंस से देखूँगा, उससे मुझे लगता है कि वो बंदा क्या है, वो जो है प्रिंटिंग में काम करता है, प्रिंटिंग में उसका इंटरेस्ट है, मुझे उसके अपेयरेंस से लगता है, उसकी शक्ल से लगता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो है इसकी कन्वर्सेशन हो रही है, किसकी कन्वर्सेशन हो रही है, मिसेस बॉन्सर और कॉक्स के बीच में कन्वर्सेशन होगी। तो इसी तरह जो आपको क्या मतलब समझना है इन सेंटेंस को पढ़ना है, कुछ भी बीच में आ सकता है, ठीक है। कोई बीच में एक सेंटेंस आएगा, बोलेंगे कि ये सेंटेंस किसने बोला है, कॉक्स ने बोला है या बॉक्स ने बोला है या मिसेस बॉन्सर ने बोला है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपको ऑन राइटिंग आनी चाहिए, जब आप इस लेसन को पढ़ोगे खुद लिखना आना चाहिए। तो अगर आप मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, खुद ऑन राइटिंग में कैसे लिखते हैं, अच्छी इंग्लिश कैसे लिखते हैं, ग्रामर को कैसे पढ़ते हैं, ग्रामर कैसे समझते हैं, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरा कोर्स ग्रामर का कोर्स ज्वाइन करना है आपने, आप व्हाट्सएप कीजिए 8492802489 पे, तो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो हमारा प्राइवेट कोर्स है उसमें ऐड किया जाएगा और आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। वहाँ पे हम बेसिक ग्रामर से लेके हाई लेवल ग्रामर तक पढ़ाएंगे, सिर्फ ट्वेल्थ में ही जो काम नहीं आएगा, जो आपको पूरा फ्यूचर में काम आएगा, कभी फ्यूचर में ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हैं ग्रामर का कोर्स, समझना चाहते हैं ग्रामर अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर
मिस कॉल नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका नंबर ऐड करूंगा, सेव करूंगा, जब भी कोर्स स्टार्ट करूंगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। वो कोर्स जो है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा और आपको बहुत हेल्प होगी पूरे फ्यूचर में उससे। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन में बात कर रहे थे हम किसकी, कॉक्स की और मिसिस बाउंसर की। अब मिसिस बाउंसर क्या बोलती है, यस यस एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल यंग जेंटलमैन ही इज़। बोलता है हाँ हाँ वही बंदा जो आपको दिखता है रोज़, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो ऊपर एटिक में रहता है। कॉक्स बोलता है वेल गुड मॉर्निंग मिसिस बाउंसर। बोलते हैं हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग, मैं चला जाता हूँ अब। तो अब गुड बाय बोलना था इसने, अब गुड मॉर्निंग बोलता है। बोलता है मिसिस बाउंसर बोलते हैं यू विल बी बैक एट यूर यूजल टाइम आई सपोज सर। तो ये मिसिस बाउंसर बोलती है कॉक्स को, मुझे लगता है कि आप मतलब अपने टाइम पे ही वापस आओगे, पूरे टाइम पे ही वापस आओगे। कॉक्स बोलता है यस 9 o'clock, बोलते हैं 9 बजे जो है मैं शाम को पहुँचूँगा। यू नीड नॉट लाइट माई फायर इन फ्यूचर, आपको जो है मतलब ज़रूरत नहीं है मेरे लिए आग जलाने की, आज के बाद मेरे लिए आग मत जलाना उस रूम में, जो है आग मत जलाना। मिसिस बाउंसर आई एल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद आग जलाऊंगा। डोंट फॉरगेट द बॉलस्टर गोइंग स्टॉप अ हाफ पेनी वर्थ ऑफ मिल्क मिसिस बाउंसर एंड बी गुड इनफ टू लेट इट स्टैंड, आई विश द क्रीम टू एकोमोलेट। तो यहाँ पे जो है क्या करता है कॉक्स जो है अब जा रहा होता है अपने काम पे, वो मिसिस बाउंसर को बोलता है कि जो आग जो है नहीं जलाना और बॉलस्टर जो मैंने तकिया के लिए आपको बोला है तकिया लाना मेरे लिए, अच्छा तकिया लाना क्योंकि जिसमें बीच में फेदर्स भी हों, ठीक है वो तकिया लाना जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में, और उसको पैसे देता है, ठीक है हाफ पेनी देता है कि जो दूध तूने दिया उसके लिए पैसे देती है, और बोलता है कि उसको मतलब मिसिस बाउंसर को बोलता है मिस्टर कॉक्स कि जो दूध है उस दूध का क्रीम निकाल के नहीं रखना, क्रीम उसमें ही रखना। क्या करते हैं ना कि मतलब जो दूध बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि दूध को बॉयल करके क्रीम उठा लेते हैं और क्रीम के बगैर दूध बेचते हैं, ठीक है तो ये मतलब कुछ लोग करते हैं। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे इस राइटर ने बोला कि वो जो है क्या करता है वो मतलब उसको मिसिस बाउंसर को बोलता है मिस्टर कॉक्स कि मिसिस बाउंसर को बोलता है कि दूध देना मगर वो क्रीम उठाने लेना उधर से, क्रीम चाहिए क्योंकि क्रीम जो है असली दूध में तो वही चीज़ होती है अच्छी, है ना। तो एग्जिट एट लेफ्ट सेंटर, तो वो जो है कॉक्स वहाँ से चला जाता है, ठीक है। ये मतलब ये एक मूवी तरह होता है, ये प्ले जो है मूवी की तरह एक्ट किया जाता है, मूवी की तरह प्रेजेंट किया जाता है स्टेज पे। अब मिसिस बाउंसर क्या बोलती है, मिसिस बाउंसर अब अकेली रह जाती है वहाँ पे स्टेज पे, वो मतलब अकेली बोलती है, अब क्या बोलती है ही हैज़ गॉन एट लास्ट, वो चला गया है आखिरकार। आई डिक्लेयर आई वॉज ऑल इन अ ट्रेम्बल ऑफ फॉर फेयर मिस्टर कॉक्स वुड कम इन बिफोर मिस्टर कॉक्स वेंट आउट। बोलती है मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि मैं बहुत डरी हुई थी, ट्रेम्बल मतलब शिवरिंग करना, थरथराना, मैं थरथरा रही थी क्या पता मिस्टर कॉक्स पहले ही आ जाए, मिस्टर कॉक्स अभी इधर ही था क्या पता वो पहले ही आ जाए। लकली दे हैव नेवर मेट येट एंड व्हाट्स मोर लाइक दे आर नॉट लाइकली टू डू सो। बोलता है मैं श्योर हूँ, मुझे ये यकीन है और मैं किस्मती हूँ कि वो अभी तक नहीं मिले हैं कोई किसी, उनको कोई किसी का पता नहीं है। फॉर मिस्टर बॉक्स इज हार्ड एट वर्क एट द न्यूज़पेपर ऑफिस ऑल नाइट एंड डजेंट कम होम टिल द मॉर्निंग। यहाँ पे बोलती है मिसेस बाउंसर कि मिस्टर बॉक्स जो है वो पूरे रात काम करता है और जो है सुबह आ जाता है, कौन मिस्टर बॉक्स, एंड मिस्टर कॉक्स इज बिजी मेकिंग हैट्स ऑल डे लॉन्ग एंड डजेंट कम होम टिल नाइट। तो उसको ये बोलती है कि मिस्टर कॉक्स क्या करता है, ये दिन को हैट्स बनाता है, हैट्स मतलब टोपियाँ बनाता है और रात को नहीं वो रात को शाम को आ जाता है, ठीक है कौन मिस्टर कॉक्स जो है शाम को आता है। सो दैट आई एम गेटिंग डबल रेंट फॉर माई रूम एंड नाइदर ऑफ माई लॉजर्स इज एनी द वाइजर फॉर इट। बोलती है कि मैं डबल रेंट जो है एक ही रूम का लेती हूँ, मतलब सेम रूम और डबल रेंट लेती है, वहीं पे कॉक्स रहता है वहीं पे बॉक्स रहता है, और कॉक्स जो है वो दिन को काम करता है, बॉक्स जो है वो रात को काम करता है, कोई किसी को वो मिलते नहीं है। और ये वो बोलती है इट वॉज अ कैपिटल आइडिया ऑफ माइंड, बोलता है यही मेरा कैपिटल आइडिया था, यही मेरा अच्छा ज़बरदस्त आइडिया था कि एक ही रूम जो है दो बंदों को देना, ठीक है ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट वाज द कैपिटल आइडिया ऑफ मिसेस बाउंसर।
तो आपको जो है ये सब आंसर लिखना है कि शी हैड गिवन द सेम रूम टू टू लॉजर्स हु वुड वर्क डे, वन वुड वर्क इन डे एंड वन वुड वर्क एट नाइट, ठीक है। तो दैट इट वॉज, बट आई हैवंट एन इंस्टेंट, दैट इट वॉज बट आई हैवंट एन इंस्टेंट टू लूज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट मिस्टर कॉक्स थिंग आउट ऑफ मिस्टर बॉक्स वे। अब ये बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं लूज होने की, अब लूज नहीं होंगी, तो मतलब मैं इसी तरह जो है दो बंदों के रेंट जो है एक ही रूम का ले लूँगी। और अब बोलती है अब मुझे करने दो, मैं जाती हूँ, मैं काम क्या करती हूँ। अब मिस्टर कॉक्स चला गया है, उसके इंटरेस्ट की चीज़ें मतलब अलग करती हूँ, और मिस्टर बॉक्स आने वाला है और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को सेट करूँगी, जैसे उसने छोड़ा था चीज़ों को उसी तरह सेट करूँगी, और उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रात को इस रूम में कोई रहता है। She takes the three hats, Cox's dressing gown and slippers, opens the door at left and puts them in, then shuts the door and locks it. अब क्या करती है, वो तीन हैट जो है वो उठाती है वहाँ पे, स्लीपर उठाती है वहाँ पे, ठीक है, उस तरह से सेट करती है, उस तरह से सेट करती है जिस तरह जो है, उस तरह से सेट करती है जिस तरह जो है मिस्टर बॉक्स को चाहिए होता है। नाउ देन टू पुट द की वेयर मिस्टर बॉक्स, मिस्टर कॉक्स ऑलवेज फाइंड्स इट। अब जो क्या करती है, वो की वहाँ पे रखती है जहाँ पे मिस्टर बॉक्स को मिलती, जहाँ मिस्टर बॉक्स वहाँ पे रखता था, ठीक है, मिस्टर बॉक्स जहाँ पे की रखता था वहीं पे अब की रखती है, ठीक है। पुट्स द की ऑन द लेज ऑफ द डोर लेफ्ट, अब वहाँ पे जो है उस डोर के लेफ्ट साइड जो है क्या करती है, वो की को रखती है, चाबी को रखती है। आई रियली मस्ट बैग मिस्टर बॉक्स नॉट टू स्मोक सो मच, अब ये बोलती है कि मैं बोलूँगी मिस्टर बॉक्स को, उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा स्मोकिंग ना करना, क्योंकि मिस्टर कॉक्स को जो है परेशानी होती है। मैं उसको नहीं बोलूँगी कि मिस्टर कॉक्स को परेशानी होती है, मैं उसको अपने तरीके से रिक्वेस्ट करूँगी। आई वॉज सो ड्रेडफुली पजल टू नो वट टू से वैन मिस्टर कॉक्स स्पोक अबाउट इट, अब ये बोलती है कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, पजल होता है कन्फ्यूज़ होना, मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मिस्टर कॉक्स को क्या बोलूँगी इसके बारे में। अब बोलती है नाउ देन टू मेक बेड एंड डोंट लेट मी फॉरगेट दैट व्हाट्स द हेड ऑफ द बेड एंड मिस्टर कॉक्स बिकम्स द फुट ऑफ द बेड फॉर मिस्टर बॉक्स, पीपल्स टेस्ट डू डिफर सो। अब यह क्या करती है, अब उनकी बेडिंग भी चेंज करती है, एक मिस्टर बॉक्स का बेड अलग किस्म का होता था और मिस्टर कॉक्स का अलग किस्म का बेडिंग होती थी, तो उनकी बेडिंग उस मिस्टर बॉक्स की टेस्ट के हिसाब से उसको चेंज करती है, क्योंकि वहाँ पे रात को कौन सोया था, मिस्टर कॉक्स सोया था, तो मिस्टर बॉक्स के अकॉर्डिंगली उस बेड को मतलब ठीक करती है उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बोलती है हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है सोने का, ठीक है, कोई पिलो रखता है कोई नहीं रखता है, कोई बेडशीट रखता है कोई नहीं रखता है, ठीक है, इस तरह जो अपने मतलब बोलती है कि हर बंदे का टेस्ट जो है अलग अलग होता है। goes behind the curtains of the bed and seems to be making it, then appears when with a very thin bolster in her hand. अब जो है चली जाती है curtain में पर्दा होता है वहाँ स्टेज पे, तो उससे अंदर जाती है, अब दिखती है वहाँ से ऑडियंस को दिखती है कि वो क्या करती है, बेड को मतलब ठीक कर रही होती है। द आइडिया ऑफ मिस्टर कॉक्स प्रज्यूमिंग टू कंप्लेन ऑफ सच अ बोल्स्टर एट दिस शी डिसअपियर्स अगेन बिहाइंड द कर्टन, अब जो है वहाँ से डिसअपियर हो जाती है कौन, मिसेस बाउंसर, वो ये सब चीज़ें जो है स्टेज पे बोल रही थी, अकेली बोल रही थी। अब जो है बॉक्स है, बॉक्स जो है आता है कहाँ, बाहर से आता है, पूफ पूफ व्हाई डोंट यू कीप योर ओन साइड ऑफ द स्टेयर सर, स्टेयर के सर, तो वहाँ से आता है कौन, सुबह आता है बॉक्स, तो वो मिलता है किस कॉक से, टकराता है मतलब रास्ते उसी स्टेयर केस पे मिलता है और बोलता है अपनी साइड क्यों नहीं रखते हो सर, अपनी साइड क्यों नहीं चलते हो आप। Enters at back dressed as a printer, puts his head out at door again shouting, तो क्या करता है वो मतलब आ जाता है और प्रिंटर के का ड्रेस लगाया होता है उसने, क्योंकि रात को प्रिंटिंग कर रहा होता है, तो एकदम शॉटिंग करता है कि अपनी साइड क्यों नहीं रखती हो ये। मिस्टर बॉक्स बोलता है इट वॉज एज मच योर फॉल्ट एज माइन सर, बोलता है ये इतना ही फॉल्ट आपका था जो मेरे से टकराए जितना मेरा था। आई से सर इट वॉज एज मच योर फॉल्ट एज माइन सर, मैं आपको बोलता हूँ ये इतना ही फॉल्ट, ये इतना ही गलती आपकी थी जितनी मेरी गलती थी जो मैं आपसे टकराया। किसको बोलता है बॉक्स, ये उसको बोलता है जो उस बंदा उसके उसे टकराया, वो कौन था, वही कॉक्स था जो रात को उसी रूम में रहता था। अब मिसेस बाउंसर है यहाँ पे,
इमर्जिंग फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स ऑफ द बेड, वो चली आती है जल्दी कर्टन से, पर्दे से आती है, बोलती है लॉर्ड मिस्टर बॉक्स व्हाट्स द मैटर, बोलती है मिसेस बॉक्स क्या हुआ, बॉक्स बोलता है माइंड योर ऑन बिजनेस मिसेस बाउंसर, बोलते अपना काम करो अपने काम से काम रखो, कौन बोलते मिसेस बाउंसर, वो बॉक्स बोलता है मिसेस बाउंसर को, क्योंकि वो पूरा रात काम किया था वहाँ पे, थक गया होता है, तो वो नहीं चाहता कि ज़्यादा मैं बात करूँ अब इससे, या ज़्यादा मतलब मैं इससे टॉकिंग करूँ। अब मिसेस बाउंसर बोलते डियर डियर मिस्टर बॉक्स व्हाट अ टेम्पर यू आर इन, टू बी श्योर आई डिक्लेयर यू आर क्वाइट पेल इन द फेस, बोलती है मिसेस बाउंसर बोलती है डियर मिसेस बॉक्स क्या आपका टेम्पर क्यों लूज़ हुआ, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या बात है, मैं ये बोलती हूँ आपका फेस जो है क्या पेल हो गया है, पेल कलर का आपका फेस हो गया है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट फिफ्थ आएगा, ये पार्ट फोर्थ था, तो पार्ट फिफ्थ में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके सारे पार्ट्स आप देखना और सारे लेक्चर्स को फॉलो अच्छी तरह कीजिए, और अगर आपने ग्रामर का कोर्स ज्वाइन करना है ज़रूर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।